हेलो मॉमीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। और आज का मेरा जो वीडियो है, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड एप्रिशिएशन, कि आप अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब नाव डेज वी ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कि ये चीज़ मतलब पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर बच्चे थोड़ा भी अच्छा काम करते हैं या उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं होता तो वो उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। बट अभी के टाइम में, या आप पहले भी आप कह लीजिए, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी जब हम लोग कुछ अच्छा काम करते थे या स्टडी में कुछ अच्छा होता था तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर करते थे। तो ये एक इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि इफ़ यू वांट टू रेज योर किड इन फ्यूचर तो प्लीज़ अप्रिशिएट देम। उनको आप अप्रिशिएट करो, उन्हें मोटिवेट करो। क्योंकि होता क्या है, बीइंग अ टीचर आई हैव सीन मैनी टाइम्स और आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, अगर बच्चा ना टेस्ट में मतलब 10 मार्क्स का टेस्ट है और अगर 9 मार्क्स भी बच्चा लेकर आ रहा है तो भी कुछ पेरेंट्स मतलब अपसेट हो जाते हैं कि हाउ यू गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, वी वांट 10 आउट ऑफ 10। तो इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मतलब अगर बच्चे के 7 मार्क्स भी आए हैं तो आप उन्हें बोल सकते हो कि बेटा नाउ यू हैव टू इम्प्रूव इट। लेकिन करा तो है ना बच्चे ने, कुछ तो किया है, 7 मार्क्स लाया है, इट मीन्स कि कुछ तो बच्चे ने लिखा है, दैट्स वाई ही गॉट द मार्क्स और शी गॉट द मार्क्स। तो मोटिवेशन इज़ मस्ट। और मोटिवेशन या रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लाकर बच्चों को बिगाड़िए या बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लाकर उन्हें दीजिए। नो, आप बहुत अच्छे से अगर कीप इट अप या गुड जॉब या एक पेंसिल भी लाकर अगर बच्चों को देंगे तो दे फील वेरी हैप्पी। क्योंकि ये जो थिंग है ये आपको मतलब शुरू से ही करनी है, स्टार्टिंग से, जब से बच्चा स्कूल में जा रहा है। अगर वो अच्छी सी एक छोटी सी ड्राइंग भी बना कर लाता है ना, बिकॉज़ वो उसके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि वो नाउ एक्चुअली वो बहुत छोटा है और उसने एक ड्राइंग बनाई है या स्लीपिंग लाइंस उसने बनाई हुई हैं, तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आपको उसे मोटिवेट करना है, यस यू हैव डन गुड जॉब। तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते कर सकते हैं, कीप इट अप, एक्सीलेंट। तो ये सारे वर्ड्स भी यूज़ करिए और साथ साथ में उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, छोटी छोटी चीज़ें, कोई कलरिंग बुक ला के दे दीजिए या पेंसिल ला कर दे दीजिए या उनके पसंद का कोई पेंसिल बॉक्स हो तो वो ला कर दे दीजिए। मतलब इट इज़ मस्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड इफ़ ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।